इससे बनेगा रोटी। पूरा मिर्ची का झाड़ उखाड़ के फेंक दिए यहाँ पे लाके, और सब सब में पानी डाल के चले गए हैं। देखिए सुहाना को लेकर गाली दिया, मेरे शादी को लेकर भी मेरे को गाली दिया है, कोर्ट कचहरी पुलिस केस, आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे। यूट्यूब फैमिली जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में, जो कि हम गांव से शुरू कर रहे हैं। और आज आपको इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे अपने गांव का दमदार मेले, है ना। आज है दशमी, दशमी नवरात्रि खत्म हो चुकी है। माता रानी की सारी श्रद्धा से बीमू जी पूजा कर ली। आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि बीमू जी ने नवरात्रि की पहली और आखिरी जो होती है फास्टिंग, वो नहीं की थी क्या? तो की थी, पहली भी की थी और आखिरी भी की थी। यहाँ पे सुहाना, हेलो, हाँ, अंकल के साथ खेल रहे हैं। क्या बना रही है? अच्छा, मामी खाना बना रही है। और आज होंगे घर की सफाई और चूल्हा पे बनेगा। देखिए दोस्तों, इसमें अभी धुआं धुकुर हो रही है क्योंकि इसमें होगा अभी रोटी पकेगा। देखिए आटा सन चुका है, बीमू आ रही है, इतना धुआं आ रहा है यहाँ पे। फूको ना उसका, फूको ना, जोर से फूको। नहीं होता है उससे। हो जाएगा, फूको, आपका हवा ही नहीं निकल रहा है मुंह से। देखो मैं फूक अभी कर देता हूँ, देखो फूक के हो जाएगा। देखो नहीं हो रहा, बाप रे कितना धूल मिट्टी उड़ गया। हाँ, कागज से हो गया ये सारी का जो होता है ना, उसका पेपर। हाँ, पेपर, वो वाला पेपर था। चलो देखो तो जल गया अच्छे से। तब यहाँ पे पकाएंगे बीमू जी रोटी। और हमारे पड़ोस का घर टूट रहा है तो उनके लिए एक रूम सफाई हो गया आज ना। आहा, देखो मेरे मम्मी लकड़ी लेके आ रही है, इससे बनेगा रोटी। कितने में खरीद के लाए ये? दस रुपया फ्री का है, फ्री का। फुर्सत हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। खाना खाई हो कि नहीं? अब खाई भी नहीं अभी तक, क्यों? अरे बाप रे, सब लोग खा लिए, अब क्यों नहीं खाएं? और आज फिर से पापा कहाँ है? पापा उस साइड है, फिर से गुस्सा हो गए ना, आज दिन भर नहीं खाए। क्यों गुस्सा हुआ, रीजन पता चला? पता नहीं, रीजन नहीं पता। जब रेडी हुआ था, हाँ, क्या बोलते हैं, नाश्ता तो नहीं खाए, बोले कि थोड़ा देर में खाएंगे। जब थोड़ा देर में आए तो रोटी को फिर से गर्म करना होता है उनके लिए, तो गर्म करने लिए तो करने लगे तो उनको लगा कि अब लेट हो गया, इतना टाइम क्यों लगा गर्म करने में, इसलिए नहीं खाए। अब आफत मच रही है ना, यहाँ क्या बन रहा है? सब्जी, सब्जी बन रही है खाने के लिए। ठीक है, क्या करिए, चलिए हम लोग मेला देख लेते, निकल जाते हैं ना। क्या कर सकते, मैं वहाँ दुकान में बैठा था, भीमा क्या बोलती है, चलिए ना चलते हैं। ना भीमा बोलने आई थी, चलिए ना चलते, यहाँ पे घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े होंगे अब। मम्मी को भी बोले तो मम्मी बोले कल सुबह चले जाना। जब घर में कुछ होता है तो मन नहीं लगता ना, हम भी थोड़ा टहल आते हैं गांव में। तब तक आप रहो घर में, दुकान घर में। सुहाना क्या कर रही हो बेटा? क्या पढ़ रही? थोड़ा स्लो बोलोगी तब ना समझ में आएंगे, इतना फास्ट बोलोगे तो कैसे समझेंगे? क्या पढ़ रही हो? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, ग्रैंड फादर नेम, ना, वेरी गुड। आज है दशहरा के दसवीं दिन और सुहाना के लिए जो गिफ्ट आई थी ये लहंगा, वो सुहाना के शरीर में फिट ही नहीं हो रही है, इतनी दुबली पतली है। और हमें टाइम नहीं मिला, यहाँ पे गाँव में टेलर वेलर कहीं पता नहीं है जो, तो दिवाली में पहनना बेटा आप ये। दिवाली में सूट भी करेगा, अच्छा भी लगेगा। फेस्टिवल टाइम मेला जा रही है तो मेला में थोड़ा पैंट वेंट ही अच्छा लगेगा। जो हम खरीद दिए है वही पे वही पहना लेते हैं। ठीक है बेटा, ओके, निकालो। आपके आपके ऊपर पूरा ढल ढल हो रहा है, इसलिए बोलते हैं खाना खाओ, इसीलिए बोलते हैं खाना खाओ। फाइनली मैं भी रेडी हो चुका हूँ दोस्तों। देखिए फॉर्मल ड्रेस ही है, मतलब नॉर्मल ड्रेस है, जीन्स पहन लिया है और टी शर्ट पहन लिया है। सुहाना ये ड्रेस पहन ली है, अंदर भी मुझे रेडी हो रही है। क्या ही बताएं दोस्तों, कुछ दिखाना चाहते हैं आपको, ये जो झाड़ पात आप देख रहे हैं ना, आपको दिखाते हैं हम। देखिए ये सब काट के पापा जी यहाँ फेंका देते, जैसे मिर्ची है, पूरा मिर्ची का झाड़ उखाड़ के फेंक दिए यहाँ पे लाके आंगन में, यहाँ पे बिखरा हुआ था, मम्मी अभी साइड कर दिए वहाँ पे। तो
तो पापा जी का बदमाशी शुरू हो चुकी है, तो बीमू जी काफ़ी सैड है, बोल रहे थे अभी चलने के लिए गांव से, लेकिन शाम का वक्त तो कहाँ चले। तो हम जो है कल सुबह निकलेंगे बस से, आज भर किसी तरह बर्दाश्त करते हैं यहाँ पे। सुहना भी पैर हाथ धोने गई थी कल पे, तो मटर का लाइन काट दिया था ना। हाँ। किसने काट दिया था लाइन? बाबा। इनके दादाजी ने। हमारे मिथिलांचल में मैथिली भाषा में दादाजी को बाबा कहते हैं, तो ये बाबा बोलते हैं। देखिए अभी ये बाल ही बना रही है, कितना टाइम लगेगा और? 10 मिनट। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ, रेडी हो जाओ तब तक। ठीक है सुहाना? सुहाना पूरा तरह से तरीके से तैयार हो चुकी है, उधर रुको थोड़ा दिखाती हैं अच्छे से। देखिए वो वाला ड्रेस थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, लहंगा वाला। हाँ तो ये वाला तो है रहा है ना, तो चलो यहीं पे चलेंगे। तो खाती है ना, कितना बोलते हैं हम लोग, ज़्यादा खाओगी मोटी होगी, थोड़ा सा कपड़ा फिटिंग आएगा, इसीलिए बोलते रहते हैं ना। देखिए दोस्तों गांव के लोग कैसे मतलब ग्रुप में जा रहे हैं मेला देखने के लिए, सारे लोग जो आप देख रहे हैं सभी लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए नवरात्रि। देखिए सभी लोग ये हमारे गांव के बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग, सभी लोग इसमें हैं। और एक मेरा घर है जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ कलश मचा रहता है, झगड़ा होता रहता है। अभी भी उधर उधर मेरे पापा मम्मी दोनों लड़ रही हैं उधर, क्या दिखाऊँ आप लोगों को, बस आज के दर्द दिन तक यहाँ पे है, फिर चले जाएंगे यहाँ से, बहुत हेडेक होता है यहाँ पे। कहाँ जा रही हो? उधर लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, मत जाओ। फिर भी चली गई सुहाना उस तरफ, मेरे पापा और मम्मी दोनों लड़ रहे हैं। आ गए वहाँ से, क्या हो रहा है? बाबा दादी पे गुस्सा कर रहे हैं। कुछ नहीं, चलो हम मेला चलते, ठीक है? ठीक है, मम को तैयार होने दो। जाओ बोलो जल्दी हो जाने के लिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम भी घर से निकल चुके हैं बाहर, मतलब जा रहे हैं मेला देखने के लिए। हाँ, घर में तो कुछ अलग ही माहौल है। सुहाना हमसे पहले ही मेरे दोस्त के साथ चले गए हैं, अभी सुहाना से ही मुलाकात करते हैं मेले में, फ़ोन करते हैं कहाँ हैं। पहुँच गए हैं मेले में और देखिए माता रानी की मंदिर, और ये है आज नवरात्रि की दशहरा की आखिरी दिन दोस्तों, चलिए दर्शन करते हैं सबसे पहले। दोस्तों मेले में कुछ दोस्त लोग मिल गए हैं जिनके साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम लोग घूम फिर रहे हैं। बीमू और सुहाना उधर बच्चे पार्टी स्कूल में खेल रहे हैं, पता नहीं मेरा आवाज आ रहा होगी यार, चलिए आपको दिखाते हैं हम। वहाँ देखिए दोस्तों कितना बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है, कुछ टिकटॉक स्टार को बुलाया गया है यहाँ पे डांस करने के लिए। देखिए वहाँ पे अभी पास जाके दिखाएंगे कुछ देर बाद, अभी चलते फिलहाल और कुछ देखते हैं, घूमते फिरते हैं। सुहाना हाय सुहाना, घोड़ा में हाँ नाचो नाचो, ठीक है? तो सुहाना बैठी है घोड़ा गाड़ी में। दोस्तों हम मेले से आ गए हैं, और जैसा कि मैंने बताया था माहौल घर की काफ़ी ख़राब है। मेरी माँ अभी शाम को ही, रात को मतलब रात को घर छोड़ के जा चुकी है, और अभी यहाँ पे चंदन कुछ खा रहे थे, आपको दिखाते हैं। जब चंदन खा रहे थे यहाँ पे, देखिए ये रोटी इसमें रखा हुआ है, देखिए प्लेट सब सब में पानी डाल के चले गए हैं, देखिए खाने भी नहीं दे रहे किसी को। ये अंदर खा रहे थे घर में, तब ये खा रही है। The next day. अभी आप लोग देख सकते हैं हम रोड पे हैं, और यहाँ पे बीमू और सुहाना है पीछे, हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, जब बस आएंगे तो हम चलेंगे। कुछ सामान हमारा यहाँ है, कुछ वहाँ है, इधर रखा हुआ एक यहाँ पे है। रात को ही काफ़ी तगड़ी लड़ाई हुई थी, मम्मी की पापा की हुई थी, उसके बाद मेरा पापा का हुआ, चंदन का पापा का हुआ, सबके साथ लड़ाई हुआ, और हमें तो ऐसा ही, मेरा गुस्सा तब फूट पड़ा और मेरा सब्र का बांध जब तब टूट गया जब मेरे को सुहाना को लेकर गाली दिया, मेरे को सुहाना को मतलब मेरे बेटी को लगा कर गाली दिया, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, मेरा गुस्सा बहुत उठ गया। तो मैंने कहा कि बहुत हुआ इतने सालों से, मेरी माँ तो 30 साल से शादी करके इनके अंडर में दुख झेल रही है, दुख काट रही है, और हम भी, हम बोले कि अब नहीं सहूँगा, और मैंने भी बहुत सारा गालियाँ दिया उनको वापस में, और कहा कि करो जो करना है तुम्हें, जो करना है करो। तो
हमें बोला कि यहाँ से तो निकल जाने को, रात ही को बोला। और जहाँ पे हम रहते हैं जिस मकान में अभी, पता है आपको, वो भी हमारा ही है, वहाँ से भी निकल जाने को कहा है। और मेरे बेटे को लगाकर गाली वाली दिए हैं, जो कि मुझे कतई नहीं बर्दाश्त। मेरे शादी को लेकर भी मेरे को गाली दिया है, लव मैरिज किया है उसको लेकर भी, उस पर भी बहस हो गई। और बहुत चीज़ मैंने भी बोल दिया, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं कहा। पहले तो सुना सहा जितना सह सकता था, लेकिन एक लिमिट होती है, और जब लिमिट क्रॉस हुआ तो मैंने भी बहुत कुछ कह दिया। अगर नहीं कहूँगा दोस्तों तो ऐसे ही होते रहेंगे हमेशा, आजीवन। और हमें बोल दिया गया है कि तू हमारे लिए मर चुका है, और तू मेरे किसी घर में नहीं रह सकता, जा यहाँ से। मैंने माँ से भी पूछा है, माँ ने कहा कि हाँ चले जाओ, कोर्ट कचहरी पुलिस केस ये सब करने से माँ ने मना कर दिया है, नहीं तो मैं कर देता इस बार। लेकिन माँ ने कहा है छोड़ दो, और मेरा हाथ बंधा हुआ है माँ के कहने से, नहीं तो मैं इस इंसान को जो कि मेरे पापा के रूप में है उसको ठीक कर देता दोस्तों। जिस तरह से वो ठीक करता ना, उस तरह से मैं ठीक कर देता, चाहे पुलिस केस से हो या समाज से हो, जैसे हो मैं कर ही देता इस बार। क्योंकि ये गुस्सा जो मेरे अंदर है, ये एक या दो दिन का नहीं है, मेरा उम्र जो है 27 साल होने को जा रहा है, 27 साल से ये गुस्सा है। मतलब मैं जान बूझ रहा हूँ शायद 4-5 साल से, 5 मास मैनेज कर दीजिए, 22 साल से ये गुस्सा है। और 22 साल गुस्सा तो छोटा मोटा गुस्सा रहेगा नहीं, भड़ास है अंदर जो फट गया रात जब इतना कुछ किया। तो कुछ लोग हैं जिनको शायद ऐसा फैमिली नहीं मिला होगा, तो वो नहीं समझेंगे, जो देखे होंगे कि पापा भी विलेन हो सकते हैं किसी के, और किसी मूवी में भी देखे होंगे, तो उससे भी बदतर है मेरे फैमिली, मेरे पापा, जो कि दुश्मन अच्छे होंगे लेकिन ऐसे पापा अच्छे नहीं हैं। तो रात को ही हमको निकाल दिया था, रात को अब कहाँ जाते। तो हम मेला है यहाँ पे मेरे गांव में, मैं वहाँ पे चला गया, 12-1 बजे तक वहाँ रहा रात को, फिर वापस आया जब कोई नहीं था, सो गया, और सुबह होते ही घर से निकल गया और यहाँ आके बैठा हूँ ताकि हम फिर बस पे जा सके। अब 10 बजे बस आएंगे या कितने बजे, मैं 6 बजे आके ही यहाँ पे रुका हुआ हूँ, बस मिलेंगे तो चले जाएंगे। और जहाँ पे हम रहते हैं, आप सब पूछते रहते हो कि यहाँ से खाली क्यों कर रहे हो, मैं हमेशा फैमिली मैटर शो नहीं करता हूँ दोस्त यूट्यूब पे, हर 2-4 दिन पे ऐसा होता है। हमारा गाँव में आया हुआ 4 दिन हुआ है, 4 दिन में 2 दिन हो गया, कल आखिरी था। और अब तो हम यहाँ से निकल जाने के बोले हैं, इतने गंदे गंदे गाली दिए हैं मेरे बेटी को लगाकर, मेरे को कतई बर्दाश्त नहीं दोस्तों। हम सोचे हैं और माँ से ही बोल दिए, ठीक है मैं चला ही जाऊँगा, मेरे से प्रॉब्लम इतना है तो। और आप लोग बताइएगा दोस्तों, अब वहाँ पे भी खाली कर दूँगा, अब कहाँ जाऊँगा इस दुनिया में कोई पता नहीं है अभी। वैसे भी हम रूम तो ढूंढ ही रहे थे इसीलिए, क्योंकि हमें निकलने के लिए तो आज से तकरीबन 2 महीने पहले भी बोल दिया था, लेकिन फिर भी हम रह रहे थे। लेकिन अब तो हद हो गया, जब यहाँ पे आया तो बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ हो गया। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जहाँ भी जाएंगे जो भी कुछ भी होगा हमारी ज़िंदगी में, सब चीज़ आपको जानने को मिलेगा। बस इतना ही कहते हैं, भगवान बड़ा सा बड़ा दुश्मनी दे दे, बड़ा सा बड़ा गरीबी दे दे, या कुछ भी दे दे, लेकिन ये इतना ज़रूर कहूँगा भगवान से कि जो बाप हमें मिला है ना इस जन्म में, किसी जन्म में हमें ऐसा बाप ना मिले, और किसी भी मेरे दोस्त को या मेरे दुश्मन को भी ऐसा बाप ना मिले, यही कहूँगा, यही प्रार्थना है भगवान से। और चलिए कोई बात नहीं, एक बेटी है, एक बीवी है, मैं हूँ, 3 लोगों का फैमिली है। कुछ लोग बोलते रहते हैं यहाँ पे भी, और रिश्तेदार भी है, गांव के लोग भी है, और यूट्यूब पे भी कमेंट आता है कि दूसरा बच्चा क्यों नहीं प्लान कर रहे हो। दूसरा बच्चा प्लान करना कोई हलवा नहीं है दोस्तों, उसको पालना पड़ता है, उनकी परवरिश करना पड़ता है, उनको संस्कार, उनके खर्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सब करना होता है। और मेरे पास फैमिली नहीं है, ना बीवी के पास फैमिली है। कोई एक फैमिली होता ना, बीवी को भी फैमिली होती तो हम बोलते कोई एक सपोर्ट है तो हम बेबी प्लान कर लेते, क्योंकि बेबी को पालना कितना दिक्कत होता है ना, हमें पता है, क्योंकि सुहाना को अकेले हम दोनों ने पाला है, बिना किसी फैमिली सपोर्ट के, बिना किसी के भी सपोर्ट के। और दूसरा बेबी कर लेंगे तो उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन जब आएगा अच्छा दिन, अच्छा पल, अच्छा घड़ी, भगवान जब देंगे वो दिन, तब हम प्लानिंग करेंगे। तो ये जवाब भी आज इस वीडियो में दे दिए कि हम नेक्स्ट बेबी प्लानिंग किन अभी तक किए हैं, जबकि सोहना इतनी बड़ी हो गई है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, क्या कीजिएगा, मेरे पापा के बारे में बुरा लिख के भी कॉमेंट में कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी ना कॉमेंट पढ़ते हैं,
अब उनको समझाने वाला गांव के लोग सब थक गए हैं, मेरे रिश्तेदार सब थक गए हैं, तो कि कुछ नहीं हुआ। अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं कीजिएगा उनके उनके लिए कुछ बुरा भला लिखने में, बल्कि हो सके तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। किसी एक के भी दुआ भगवान ने सुन ली तो हमारे पास खुद का घर शायद हो जाए इस जन्म में, और हमें यूँ दर दर ना भटकना पड़े, कहीं एक जगह हमारा खुद का आशियाना हो, खुद का मकान हो। बस इसी पे काम करेंगे अब, सबसे पहले अपना मकान, ताकि जहाँ से हमें कोई ना निकाल सके, जहाँ पे हम खुली सांस ले सके, जी सके। बस इसी लक्ष्य के लेते हुए आज अपने गांव को सारे चीज़ को छोड़ते हुए चलता हूँ दोस्तों, चलता हूँ। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।